बिलासपुर में ग्राम सेंद्री में नया पुल के पास तेज गति से आ रही ट्रेलर और माजदा में भीषण टक्कर हो गई, जिससे माजदा सवार 3 महिलाएं घायल हो गई। माजदा बिलासपुर की तरफ से सीमेंट भरकर रतनपुर की ओर जा रही थी और ट्रेलर रतनपुर की ओर से सकरी की ओर जा रहा था। टक्कर के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर भाग गया। रायपुर पुलिस टीम द्वारा अलग अलग राज्यों व जिलों से आने वाली लगभग 60-65 बसों की चेकिंग करने के साथ ही संदिग्ध यात्रियों एवं यात्रियों के सामानों को भी चेक किया गया। चेकिंग के दौरान उड़ीसा से आने वाले एक बस में सीट के नीचे रखा गांजा जब्त किया गया। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में धोखाधड़ी के एक आरोपी ने पुलिस कस्टडी में ही जहर खा लिया। पुलिस को भी इस बात की जानकारी तब लगी जब उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह उल्टी करने लगा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर आरोपी के पिता ने पुलिस पर ही सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमा क्षेत्र के जगदलपुर धनपुंजी थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम ने मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान एक बस से संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिसके बैग की तलाशी कर लगभग 2 लाख कीमत का 22 किलो गांजा जब्त किया गया। बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राहुल लहरे नामक व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली। इस दौरान झोले से भारी मात्रा में यूप्राइन 2 ML एम्पुल इंजेक्शन, 439 नग, 1375 नग IP एविल इंजेक्शन जब्त किया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने बिक्री की रकम भी बरामद की है। रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर रेलवे कॉलोनी निवासी मंजू मानिकपुरी से 4 लाख रुपए की ठगी करने वाली रेलवे की महिला कर्मचारी ममता यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्टाग्राम में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फर्जी आईडी बनाकर प्रार्थी से पैसे की मांग कर और नहीं देने पर धमकी दी गई कि तुम्हारा निजी वीडियो को इंस्टाग्राम में वायरल कर दूंगा, जिसके बाद वह वीडियो को वायरल भी कर दिया है। इसकी शिकायत पर पेंड्रा पुलिस ने आरोपी दलवीर सिंह, बंधन सिंह एवं एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम बिल्ली बंद के घर के सामने खड़ी नई कार में अचानक आग लग गई। 3 मई अक्षय तृतीया को सत्येंद्र कुमार सिंह निवासी मानिकपुर ने इस कार को खरीदा था। शनिवार दोपहर को अपने साढ़ू के घर ग्राम पंचायत बिल्ली बंद अपनी पत्नी के साथ घूमने आया हुआ था। अपने साढ़ू की फैमिली के साथ रतनपुर महामाया मंदिर दर्शन करने वाले जाने वाले भी थे। फेसबुक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक युवक ने पहले अंबिकापुर शहर की एक युवती से दोस्ती की, फिर उसे झांसे में लेकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद युवती को ब्लैकमेल करते हुए युवती से 4 लाख रुपए की मांग कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा जिले की दशरंगपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के गोरखपुर गांव में 2 बाइक में गमछा बांधकर घूम रहे 4 संदिग्ध युवकों को पकड़कर चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए आरोपियों के पास से चोरी का सामान, 72 तोला चांदी, 2 मोबाइल फोन, 2 बाइक समेत 2,10,000 रुपए के सामान को जब्त कर लिया है। कवर्धा जिले में पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरी में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि हत्या गमछे से गला घोटकर की गई। इस हत्याकांड के बाद से ग्रामीणों में दहशत है। गर्मी के कारण महिला घर के बाहर सो रही थी। बालोद जिले में झलमला से कोहका मार्ग पर महला पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही बालोद पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर मार्ग कायम कर जांच में लिया है।
पिकअप से लकड़ी का बाजवट भरकर अपने साथी संजय साहू एवं तिलक कुंजाम के साथ सिवनी जा रहे कामता साहू के साथ महामाया मंदिर साजा के पास राजा खान एवं अन्य उसके दोस्त गाड़ी को रुकवाकर पैसे की मांग की। मामले की शिकायत के बाद साजा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में बना हिल के चट्टान पारा निवासी युवक रामचरण उर्फ भूरू और सनत कुमार केवट चोरी का कबाड़ बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर लोहे की पाइप, जाली तार, लोहे का दरवाजा सहित 15 क्विंटल का कबाड़ जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया है। गरियाबंद जिले के छुरा थाना अंतर्गत जादू टोना के नाम पर गजराज परिवार को ठगने और रकम ऐंठने वाले आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में पत्नी को सह आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जशपुर जिले के लोदान चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने की शिकायत जशपुर एसपी के जनदर्शन में की। इस पर एसपी ने चौकी प्रभारी को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई करने निर्देशित किया। निर्देश पर लोदाम पुलिस ने आरोपी नागेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में ग्राम ऊपर कोपा की आंगनबाड़ी भवन का ताला तोड़कर राशन चुरा रहे एक ग्रामीण को 2 युवकों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप दिया है। दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे लोन व राटू अभियान के तहत शनिवार को 4 नक्सलियों ने उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने कुआं कोंडा थाना क्षेत्र के 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने वाले सभी नक्सली मिलिशिया के सदस्य और सभी निवासी फुलपाड़ के हैं। ₹11 लाख की ठगी कर 2 साल से फरार अंतरराज्यीय चिटफंड कंपनी के जीएम को मुंगेली जिले की कोतवाली पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक ग्रामीण से चिटफंड कंपनी हम तुम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 11 लाख रुपए जमा करवाकर आजीवन 2.5% लाभ देने का झांसा दिया था। सुकमा जिले के केरलापाल एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 30 में बतौर सदस्य सक्रिय 2 लाख के इनामी मड़कम जितेंद्र उर्फ सन्ना और बोड़ेकल पंचायत में दंडकारण आदिवासी किसान मजदूर संघ अध्यक्ष के रूप में सक्रिय 1 लाख का इनामी नक्सली गढ़पा नागेश ने एसपी सुनील शर्मा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पाटन क्षेत्र के फुंडा सड़क पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पीछे बैठी 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। पाटन पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। खमतराई थाना क्षेत्र के बंजारी मंदिर के पीछे रावण भाटा में स्थित भगवती ट्रेडर्स के गोडाउन में 5 ड्रमों में रखे लुब्रिकेंट्स ऑयल को मोटर पंप लगाकर चोरी करने वाले संस्थान के पूर्व कर्मी सहित चोरी में उनका साथ देने वाले व चोरी का ऑयल खरीदने वाले 5 आरोपियों को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पगारिया कॉम्प्लेक्स स्थित एक निजी न्यूज चैनल के बंद पड़े स्टूडियो में शनिवार रात आग लग गई। आग बुझाने के लिए 5 दमकल गाड़ियां आईं। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। संभावना जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। डोंगर गांव स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में आग लगने से दुकान के पीछे रखे पुट्ठे व 4 मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। चारों मोटरसाइकिल दुकान में काम करने वाले सेल्समैन और गार्ड की बताई गई है। मुंगेली जिले के लक्षनपुर लोरमी में पदस्थ पटवारी एनएस मरावी व उसके सहयोगी वेदराम को ईओडब्ल्यू की टीम ने
किसान पुस्तिका बनाने के नाम पर बोरदार ग्राम निवासी किसान संतोष जायसवाल से 3000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में रविवार तड़के 4 बजे मरीन ड्राइव चौपाटी के पास एक तेज रफ्तार कार चौपाटी में जा घुसी। इस हादसे में 2 चौपाटी के ठेले क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 लोग बाल बाल बच गए। कार में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। रायपुर जिले की एंटी क्राइम व साइबर यूनिट की टीम द्वारा कुल 122 नग मोबाइल फोन कीमती लगभग 26 लाख रुपए को बरामद कर शनिवार को मोबाइल फोन उनके स्वामियों के सुपुर्द कर दिया गया।